नोवी हीरो स्प्रिंट एमटीवी हिमालय शिमला साइकिल रेस हाल ही में शिमला में संपन्न हुई, जिसमें मास्टर वर्ग में बिलासपुर के साइकिलिस्ट सचिन भारद्वाज ने पांचवा स्थान हासिल किया। जिला बिलासपुर साइकिलिंग संघ में उनके सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें पुष्प, टोपी व किट बैग भेंट किया। रेस का शुभारंभ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने रिज मैदान से किया। रेस दो दिन तक चली। साइकिल रेस में पूरे देश से 100 साइकिलिस्ट ने भाग लिया। रेस दो चरणों में हुई, जिसमें सचिन भारद्वाज ने पांचवा स्थान हासिल कर बिलासपुर का नाम रोशन किया। सचिन भारद्वाज ने जिला साइकिलिंग संघ का धन्यवाद किया, जो संघ ने उन्हें इस रेस में भाग लेने के लिए भेजा। उन्होंने बताया कि रेस में 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। दो दिन में सभी को 120 किलोमीटर का सफर तय करना था। इस रेस में बहुत से प्रोफेशनल साइकिलिस्ट आए थे। सचिन ने बताया कि उनकी जिंदगी की ये प्रथम रेस थी जो उन्होंने की, वो पांचवा स्थान हासिल किया। इस रेस को 100 में से 68 प्रतिभागियों ने ही पूरा किया। इस अवसर पर जिला क्रिकेट संघ व जिला साइकिलिंग संघ के महासचिव विशाल जगोता, बंदला पंचायत प्रधान सतीश ठाकुर, वरिष्ठ उप प्रधान कमल महाजन, सह सचिव जितेंद्र ठाकुर, पीआरओ नरेश ठाकुर, प्रवक्ता करण चंदेल, सोशल मीडिया इंचार्ज अनिरुद्ध शर्मा उपस्थित रहे। अभी जो शिमला के अंदर एक हीरो की तरफ से एक एमटीबी साइकिल इवेंट कराया गया, जो 9th एडिशन था, उसमें मैंने बिलासपुर की तरफ से मास्टर कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया। और वहाँ पे पूरे देश से हमारे लोग आए हुए थे, काफ़ी प्रोफेशनल लोग उसमें आए थे, और मेरा पांचवा स्थान उसमें मुझे मिला। और इसके लिए मैं अपनी बिलासपुर साइकिलिंग संघ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं जाऊँ और वहाँ पे बिलासपुर को रिप्रेजेंट करूँ। और मेरा ये पहला ही पहली अपनी ज़िंदगी की पहली प्रोफेशनल रेस थी जो एक्चुअली मैंने की अटैम्प्ट की और मैं उसको पूरा कर पाया। इसमें अराउंड 120 किलोमीटर हमने दो दिन में करने थे, और 100 पार्टिसिपेंट में से सिर्फ 68 पार्टिसिपेंट ही उसको रेस को पूरा कर पाए। तो काफ़ी टफ रेस थी, लेकिन आप लोगों के सहयोग से और बिलासपुर साइकिलिंग संघ के सहयोग से मैं रेस को पूरा कर पाया। जिला साइकिलिंग संघ बिलासपुर के लिए आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज जिला साइकिलिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बड़े भाई सचिन जी, जिन्होंने 40 प्लस की कैटेगरी में साइकिल रेस में हिस्सा लिया था, और ये टूर्नामेंट लगातार दो दिन चला, जिसमें उन्होंने पांचवा रैंक हासिल किया। इसमें 100 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया था, जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे। हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट बड़े भाई सचिन जी ने पांचवा रैंक हासिल किया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ व बधाई देता हूँ, और एक बात मैं युवाओं से करना चाहता हूँ कि वो इससे कुछ सीखें और साइकिल को अपनाएं, स्वास्थ्य को बनाएं। इन सब के बीच में मेरा एक संदेश, स्वास्थ्य को बनाना है, पर्यावरण को बचाना है, और हर घर में साइकिल को अपनाना है। जय हिंद, जय भारत। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से अश्विनी कुमार राणा की रिपोर्ट। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। तो रखे उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है
उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय आर्या IAS एकेडमी राजा का तालाब।